वंस अगेन गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। टुडे अगेन वी गोइंग टू डील विथ यू नो कंपाउंड इंटरेस्ट। एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, सो एज फार एज कंपाउंड इंटरेस्ट इज कंसर्न, when the simple interest is added to the principal so that the amount become the principal for next period, it's called compound interest. Okay, so initially we should see some of the formula of compound interest. So some basic formula, compound interest. Compound interest equals to compound interest equals to amount minus principal. Then compound interest equals to amount equals to principal one plus rate upon 100 की power ये time ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल वन प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल 1 plus r upon 100 to the power n, n means time, minus p, okay? Same ka, simple interest mein bhi aise hi tha, okay? Acha, iske alawa bhi kuch formulae hain, okay? वो फॉर्मूले क्या है, देखो जैसे इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिफरेंट, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कन्वर्सन पीरियड, ठीक है, अगर आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो अलग अलग है फॉर डिफरेंट पीरियड की, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे अमाउंट इक्वल्स टू, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल। अब देखो ये जो डिफरेंट रेट्स हैं, तो आर वन आर टू आर थ्री के फॉर्म में लिखेंगे अपन, ठीक है, और ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितने डिफरेंट रेट्स हैं, ठीक है, तो ये डायरेक्ट डैश रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, एक रेट है तो आर वन आएगा, दो रेट है तो आर टू आ जाएगा, if there are three rates R3, R4, ठीक है। One more important formula, if the rate of interest, for N1 year is R1 and N2 year is R2, for N3 year it's R3, तो यहाँ पे there is a slight change, ठीक है, formula क्या हो जाएगा, amount equals to P 1 plus R1 upon 100
ये जो टाइम है उसको हम n1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सेम वे 1 प्लस r2 डिवाइड बाय 100 की पावर n2, 1 प्लस r3 अपॉन 100 की पावर n3, लाइक दिस. ठीक है, तो ये जो फॉर्मूले है ये आपको as for you know circumstances and condition, ठीक है, ये जो फॉर्मूला ये पता लगेगा if the rate of interest is different or different conversion period. ठीक है, ये फॉर्मूला. और ये जो सेकंड वाला है द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर n1 ईयर, ठीक है, फॉर n2 ईयर, n2 ईयर इज r2 and for nth year r2, then formula ye hi. ठीक है, तो basic formula जो है वो आपका यही है कि compound interest equals to principal 1 plus r upon 100 की power n. ये जो n लिख रहा हूँ मैं वो time, ठीक है, n आपका क्या है, time. ठीक है, but most important question which you know occur is this chapter, which is what is the difference between simple interest and compound interest? ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन को मुझसे प्रिपेयर कर लेंगे. ठीक है, what is the difference between simple interest and compound interest? इसकी थ्योरी कभी कभी यू नो 5 to 7 मार्क के क्वेश्चन में आती है, तो आप इसको कर लेंगे. ठीक है, अब अपन इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं और इसका यूज देखते हैं. ठीक है, चलिए, तो फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा. जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट का SI इक्वल्स टू BRT अपॉन 100 किया था सेम वे. ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो प्रिंसिपल 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n, जो कि टाइम है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन. हाँ, सी फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है. फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8000 एट 5% पर एनम फॉर 3 ईयर. ठीक है, तो आपका 8000 जो है वो क्या है, प्रिंसिपल गिवन है. ठीक है, 5% जो है वो रेट है और टाइम ड्यूरेशन आपका 3 है. ठीक है, तो फाइंड आउट दी अमाउंट ऑल्सो, कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट निकालना है आपको. चलिए देखते हैं हमारी क्वेश्चन को. तो फॉर्मूला लिखे कंपाउंड के लिए अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n. ठीक है, तो आपको यहां पर प्रिंसिपल लिखना ये वाला है व्हिच इज 8000. ठीक है, आपका रेट कितना बोल रहा है, 1 प्लस रेट कितना है, 5%. नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, 3. ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं. 8000 इसको एलसीएम लेके 100 एलसीएम आएगा. ठीक है,
अब इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम दिया अपन ने 100, 8000 इनटू ये क्या हो जाएगा 105/100 की पावर 3। ठीक है, इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, 5 2 5 2 5। ठीक है, तो 8000 इनटू 21/20 की पावर 3 है। ठीक है, तो इसको 3 टाइम्स लिख देते हैं, इनटू 21/20 इनटू 21/20 इनटू 21/20। ठीक है, तो 1 2 3 1 2 3 2 2 4 2 8 कैंसिल। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने से कितना आता बताओ मुझे, 21 इनटू 21 इनटू 21। कैलकुलेटर चल रहा है क्या किसी का, या फिर मैं खुद से करूं? 9261 करेक्ट, इट्स 9261। ओके, ठीक है, तो ये क्या था, ये अमाउंट था, अमाउंट मींस व्हाट, इसमें आपका कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल इंक्लूड है। ठीक है, तो ये हम सेपरेट कर देते, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, आपका अमाउंट कितना था, हमारा अमाउंट था 9261, प्रिंसिपल कितना था 8000, तो कितना आ जाएगा 1261। ठीक है, एनीवन हैविंग एनी डिफिकल्टी व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन? ठीक है, फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद करना पड़ेगा, उसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। ठीक है, फॉर्मूले को आपको याद करना पड़ेगा, वो बेसिक है। ठीक है, इसके अलावा आपको जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको यू हैव टू पुट इन दिस फॉर्मूला, डेफिनेटली एट द एंड ऑफ टाइम यू विल गेट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो इसको नोट डाउन करिए, कंप्लीटेड। यस सर, ओके, देन मूविंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। सी देयर इज अ क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8000 at 7.5% compound interest per annum after 5 years। ठीक है, तो अगेन ये जो प्रिंसिपल है आपका 8000 गिवन है, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट ये जो है ना, ये मैंने ऐसे 7.5 लिख दिया, लेकिन वो फ्रिक्शन में 7/1/2 ऐसे गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में बाकी तो ठीक है। ठीक है,
तो चलिए अब अपन ये क्वेश्चन को देखते हैं। देखो अगर आपको इन्फॉर्मेशन ऐसे मिलती है, ठीक है, और 7.5 बहुत आसे ही हुए, ठीक है, ये जो क्वेश्चन में लिखा था ना वो मैं अपने कन्वीनियंस के लिए ऐसे लिख दिया था, लेकिन एग्जाम में कई बार आपको ऐसे, तो क्वेश्चन बनाते हैं, फॉर्मूला वही सेम है, ठीक है, फॉर्मूला सेम, ठीक इक्वल्स टू पी 1 + r/100 की पावर है। अब देखो यहाँ पे जो रेट है वो कितना है, अगर ये फ्रिक्शन को सॉल्व करोगे तो कुछ 15.2, ठीक है, तो दोनों तरीका है, आप वैसे भी लिख सकते हो 15.2 भी लिख सकते हो, 15/2 × 100 की पावर n, नंबर ऑफ लेयर कितना है 5 लेयर्स, ठीक है, तो ये एलसीएम आएगा 200 / 215 की पावर 5, ठीक है, 215/200 की पावर 5, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से कितना आता है, इसको डिवाइड करके बताओ कितना आता है, 215/200 इक्वल्स टू 1 पॉइंट कितना आ रहा है, इसको डिवाइड करके बताओ मुझे, तो 215/200 1.075 की पावर 5, ठीक है। अब देखो यहां से हम क्या करते हैं ना, क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल सॉल्व करते हैं, लॉग टेकन और होल साइड, ठीक है, तो जैसे हम लॉग लेंगे क्या हो जाएगा, लॉग 8000, ठीक है, n2 है तो 10 हो जाएगा, m2 की पावर n है तो n log m हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, log में सॉल्व करते वक्त कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करते हैं, कैसे, नंबर ऑफ डिजिट 4 - 1 = 3, ठीक है, कैरी करेंगे इंटीजर 0 और मीन डिफरेंस 0, तो नीचे आ जाते हैं, log में देखते हैं 80 का 0 x 9031, ठीक है, x 9031 5 × 1 - 1, पॉइंट के बाद, पॉइंट के पहले नंबर ऑफ डिजिट 1 1 - 1 0 पॉइंट, 10 का 7 और मीन डिफरेंस 5, ठीक है, 10 का 7 is 0294, मीन डिफरेंस 5, x 20 0314, ठीक है। अच्छा मुझे थोड़ा कैलकुलेटर चला के बताना कि ये 3.9031 और ये 5 × ये करने से कितना, 20 0 7 15, देखो ये सही है कि 1.70, चेक करके बता दो ये 5 × ये कितना, ये सही है 1.70, आई थिंक सही है, ठीक है, और उसको इसके साथ ऐड कर दे, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, 7 × 10 हो जाएगा, 5 × 6 हो जाएगा, 9 × 10 हो जाएगा,
4.060 चेक करो 4.060601। ठीक है, तो अब हम इसका क्या देखेंगे, एंटी लॉग देखेंगे, एंटी लॉग 4.0601। ठीक है, तो पॉइंट के पहले जो नंबर ऑफ डिजिट होता है लॉग में माइनस वन, एंटी लॉग में प्लस वन। ठीक है, तो 4+1 पेयरिंग करेंगे पॉइंट के बाद 06 की 0 और भी डिफरेंस 1 है, एंटी लॉग का कॉलम प्रूफ रहा है। ठीक है, तो 06 की 0 इट्स 1148 1148। ठीक है, 06 का 0 1148 और b डिफरेंस 1 इज 0, तो 1148 आ जाएगा 1148। ठीक है, अब यहां पे 5 डिजिट के बाद 0 करना है तो 1234 आएगा और एक 0 लगा। ठीक है, ठीक है, ये आपका क्या निकल गया, अमाउंट निकल गया। अब ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, आप कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो हमारा अमाउंट कितना आ गया 11,480 माइनस प्रिंसिपल कितना है आपका 8,000। ठीक है, 3,480। नोट डाउन कर लो, कंप्लीटेड? यस सर। चलिए आगे चलते हैं। अब ये थोड़ा बेसिक तो हो गया मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है,
तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन थोड़ा इजी, उसको बाद में देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सी, लक्ष्मण बोरोड 8,000 फॉर 3 इयर्स एंड एग्री टू पे द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 3%, 4% एंड 5% फॉर द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी ही हैड टू पे आफ्टर 3 इयर्स, ठीक है। तो सी डियर स्टूडेंट्स, एज आई ऑलरेडी टोल्ड दैट इनिशियली, कि अगर आपको जो रेट है वो डिफरेंट रहेगा, ठीक है, तो फॉर्मूला चेंज हो जाए, ठीक है। तो अब हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला पुट करते हैं, ठीक है। ए इक्वल्स टू पी वन प्लस आर वन अपॉन 100, जो मैंने लिखा था, ठीक है। तो इसको देखते हैं, ठीक है। आप देखो यहाँ पे आपको 3 इयर्स गिवन है, ठीक है, तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखते हैं अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस, देखो ये 1 प्लस आर का 100 करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आर का 100 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रेट अलग-अलग है, डिफरेंट है, 1 प्लस एक सेकेंड रेट भी है, ठीक है। तो ये R1 देन R2, 3%, 4% और 5%, तो ये और आ जाएगा 1 प्लस R3 अपॉन 100, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, हम आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लक्ष्मण बोरोड 8,000, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल आपका 8,000 का फर्स्ट ईयर का रेट क्या है, फर्स्ट ईयर का रेट है आपका 3%, तो 3 डिवाइड बाय 100, ठीक है। सेकेंड ईयर का रेट है 4%, थर्ड ईयर का रेट है 5%, ठीक है। तो हमने वैल्यू पुट कर दी। अच्छा, अब आप क्या बनोगे, 8,000 एलसीएम लोगे 100, 100 प्लस 3, ठीक है। सेम वे एलसीएम भी है 100, 100 प्लस 4, सेम है ना, एलसीएम भी है 100, 100 प्लस 5, ठीक है। अब क्या करोगे, 8,000, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 100, ये क्या हो जाएगा 104 डिवाइड बाय 100, ये क्या हो जाएगा 105 डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो जो इंफॉर्मेशन गिवन है आपको, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, वैल्यू सिंप्लीफाई कर दी है, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 8,000 इनटू है, तो 100 को इससे डिवाइड करोगे तो 1.03 इनटू 1.04 इनटू 1.01, ठीक है, ये आ गया। अब आप विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल, फॉर बोथ साइड, देखो जैसे आपने लॉग लिया, क्या आ जाएगा, लॉग 8,000 इनटू है तो प्लस हो जाएगा लॉग 1.03 प्लस लॉग 1.04 प्लस लॉग 1.05, ठीक है। अब आपके नंबर ऑफ डिजिट 4 है, 4 माइनस 1 3, ठीक है। अब हम देखते हैं 80 का जीरो, लॉग टेबल खोलते हैं पीछे से, 80 का जीरो 9031 प्लस पॉइंट के पहले नंबर ऑफ डिजिट कौन है, 1 माइनस 1 0, 10 का 3, 10 का 3 है आपका
जीरो वन टू ए, जीरो वन टू ए प्लस अगेन वन माइनस वन जीरो, टेन का फोर, टेन का फोर है जीरो वन सेवन जीरो प्लस पॉइंट के पहले नंबर ऑफ डिजिट वन माइनस वन जीरो, टेन का फाइव, टेन का फाइव जीरो टू वन टू, ठीक है ये वैल्यू पुट कर दी हमने, ठीक है। अच्छा इसका टोटल करके मुझे बताओ कितना आ रहा है, ये चारों वैल्यूज को ऐड करके बताना मुझे कितना आ रहा है। कितना आ रहा है कैलकुलेटर चलाओ थोड़ा, थ्री पॉइंट नाइन फाइव फोर वन, ठीक है गुड, ठीक है। तो अब हम इसका क्या निकालेंगे, एंटी लॉग निकालेंगे, ठीक है। अब हम इसका एंटी लॉग निकाल रहे हैं, अब हम इसका एंटी लॉग निकालते हैं, एंटी लॉग थ्री पॉइंट नाइन फाइव फोर वन, नाइन फाइव फोर वन, ठीक है। तो पॉइंट के पहले क्या है, थ्री, थ्री प्लस वन लॉग के माइनस वन, जो फोर है ना एट डबल नाइन फाइव, और नाइनटी फाइव का फोर और मीन डिफरेंस वन इज टू, 8997 यहां पे लिखते हैं 8997, ठीक है। ये पॉइंट के पहले 3 है, 3 प्लस 1 4 हो गया, बाय 2 3 4 4 डिजिट के बाद, ठीक है। फॉर्मूला क्या होना चाहिए, इफ यू नो द फॉर्मूला देर इज अ चांस कि आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ऑन है भाई ये इसको नोट डाउन करिए आप लोग,
Completed all of you? Yes, sir. Okay. Sure. One more question. ठीक है. देखो यहाँ पे क्या बोलता है, शिवांश borrowed 5,000 for 10 years at compound interest and the rate of interest was 3% per annum for first 2 years. ठीक है, 3.5% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर एंड 4% पर एनम फॉर लास्ट 5 ईयर. फाइंड अमाउंट. ठीक है, तो अभी जो अपन क्वेश्चन किए थे उसमें जो टाइम ड्यूरेशन था 1 1 1 ईयर यानी सेम था. तो प्रिंसिपल इक्वल्स टू आपने देखा 1 प्लस R अपॉन 100. ये R को हमने R1, R2, R3 किया था, लेकिन वो जो ऊपर में जो टाइम ड्यूरेशन है वो एज यूजुअल था, 1 ईयर 1 ईयर, तो हम लिखे नहीं क्योंकि 1 तो किसी भी मल्टीप्लाई करने से सेम ही आएगा, उससे कोई नो चेंज आएगा. ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे क्या है ना, ये 10 ईयर जो है उसका डिस्क्रिप्शन गिवन है. कैसे दिया है, 10 ईयर को कैसे बता रहा है, फर्स्ट 2 ईयर, फिर बोल रहा है नेक्स्ट 3 ईयर, 3 प्लस 2 5 और लास्ट 5 ईयर. ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन में देयर इज अ स्लाइट चेंज. ठीक है, और ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ठीक है, अब देखो यहां पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में N1, N2 और ये N3, ये टाइम ड्यूरेशन जो चेंज हो रहा है. ठीक है, अब यहां पे आपको प्रिंसिपल कितना गिवन है, 5,000. ठीक है, तो प्रिंसिपल आपका 5,000 है, 1 प्लस रेट कितना बोल रहा है, रेट है 3% फॉर फर्स्ट 2 ईयर, 3% फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स. ठीक है, फिर कितना है आपका 3.5%, 3.5% फॉर नेक्स्ट 3 ईयर. ठीक है, फिर आपका रेट कितना है, आपका रेट है 4% फॉर लास्ट 5 ईयर. ठीक है,
टू प्लस थ्री फाइव प्लस फाइव टेन ए का डिस्क्रिप्शन देना, ठीक है। तो फिर इसको सॉल्व करते हैं अपन, एलसीएम लेते हैं 100, 100 प्लस 3 की पावर 2, इन सेम में एलसीएम दिया 100, 100 प्लस 3.5 की पावर इट्स 3, ठीक है। एलसीएम दिया 100, 100 प्लस 4 की पावर 5, 5000, ठीक है। ये 103 डिवाइड बाय 100 की पावर 2, 103.5 अपॉन 100 की पावर 3, 104 अपॉन 100 की पावर 5, ठीक है। तो इसके बाद हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, इनटू 1.03 की पावर 2, ठीक है, इनटू 1.035 की पावर 3 इनटू 1.04 की पावर 5, ठीक है। आप देखो यहां पे अपन क्या करते हैं, लॉग ये लेते हैं, लॉग टेकन फॉर बोथ साइड, ठीक है। तो log 5000 प्लस n टू की पावर n है तो क्या हो जाएगा, 2 log 1.03 प्लस p log 1.035 प्लस 5 log 1.04, ठीक है। अब 4 माइनस 1 3, 50 का जीरो, लॉग टेबल देखते हैं, 50 का जीरो 86990 प्लस 2 इंटू ये जीरो हो जाएगा 1 माइनस 1 0 और 10 का 3, 10 का 3 इज 0128, 0128 प्लस 3 इंटू 0. आपका 10 का 3 और मीन डिफरेंस 5, 10 का 3 तो सेम है 0128, लेकिन मीन डिफरेंस कितना है 5, आपका मीन डिफरेंस 5 है 21, 149 प्लस 5 into आपका 10 का 4, 10 का 4 017, ठीक है। अब इसको 3.690 प्लस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको ऐड करके बताओ कितना है, थ्री पॉइंट एट फाइव फोर थ्री, ठीक है। इसका निकालते हैं log 3.8543, ठीक है, 85 का 4 और मीन डिफरेंस 3, 85 का 4
7145 85 का फोर और मीन डिफरेंस 3 3 इज 5 ये 7 1 5 0 7 1 5 0